दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान कार्रवाई के दौरान 8 जनवरी की रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी कार शेवरलेट एवियो में घड़ी चौक सुपेला से सेक्टर जाने वाले मार्ग के पास अवैध रूप से नौजवान युवकों को नशीली दवाइयां बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संदेहियों को घेराबंदी कर पकड़ा। संदेहियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम विकास ठाकुर निवासी सेक्टर 7 भिलाई नगर जिला दुर्ग का रहने वाला बताया। आरोपी के कब्जे से कार में रखे एक हरे रंग के झोले में 40 नग रैपर कुल 320 औषधि स्पा स्कोर वन प्लस कैप्सूल एवं बिक्री रकम कुल जुमला कीमती 1,58,950 रुपये जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसमें कल पुलिस को सूचना मिली थी कि घड़ी चौक सुपेला के आसपास में एक व्यक्ति जो है अपनी कार पे कुछ नशीली दवा रखा हुआ है और बेचने के लिए ग्राहक का तलाश कर रहा है कि सूचना पर पुलिस ने जाकर मौके पर घेराबंदी किया और रेड किया। रेड करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम पता विकास ठाकुर रहने वाला सेक्टर 7 का बताया। पूछताछ करने के उपरांत पे जब विधिवत तरीके से NDPS के प्रावधानों का पालन करते हुए जब तलाशी ली गई तो उसके पास से पुलिस को 40 नग रेपर कुल 320 नग जो नशीली दवा थी जो नियमता बैन है बिक्री नहीं किया जा सकता है वो दवाएं उसके पास से बरामद हुई। बरामद होने के बाद में पुलिस ने NDPS के प्रावधानों के तहत नियमता कार्रवाई करते हुए विकास ठाकुर जो आरोपी मिला है उसके विरुद्ध में 8/21 NDPS के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया।